तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं दोबारा आ चुका हूँ अपने भैया के साथ वन ब्लॉक वर्ल्ड में। और इस वर्ल्ड में, वन ब्लॉक वर्ल्ड में हम जाने वाले हैं नेदर, और नेदर में ढूंढने वाले हम फोर्ट्रेस्ट। और कैसे, पहली बात तो ये कि अगर आपको मेरी वॉइस अलग लग रही है, मतलब अजीब सी लग रही है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। और शायद शायद इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाए। तो आज हमें, मतलब मैंने और बहन ने सोचा है कि आज हमें फोर्ट्रेस्ट ढूंढना है, और हमें विलेजर भी चाहिए इसके लिए। आयरन आयरन चाहिए, आयरन फार्म बनाना है, तो विलेजर भी चाहिए और ट्रेड करने के लिए भी चाहिए। तो उससे हम लोग ब्लेज रोड लेके आएंगे, ब्लेज रोड से हमारा पोशन वोशन बनने वाला बन जाता है। तो अभी ऐसा करते हैं, कैमरा एंगल चेंज करके वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पर हमने कैमरा एंगल चेंज कर लिया, और मुझे मतलब पोशन जिससे बनाते हैं वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जॉम्बी ब्लेजर को ब्लेजर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें गोल्डन एप्पल भी लगेगा उसके। ओ भाई भाई साहब, पोर्टल किसने बनाया? अरे भाई, भैया ने पोर्टल तो अच्छा बनाया यार, ये अच्छा लग रहा है, मतलब देखने का अच्छा है। ये दोनों साइड से बनाया गया भाई। भाई कुछ, चलो कुछ तो बढ़िया बनाया रखा है भैया ने यहाँ पर, अच्छा डिज़ाइन करा है पोर्टल को, मतलब बुरा नहीं है इतना, देख सकते हो आप लोग, अच्छा है। हाँ, तो मतलब ये जॉम्बी ब्लेजर को हमें ब्लेजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें ब्लेज रोड की चाहिए होगी। ब्लेज रोड लाने के लिए नेदर में जाके फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हमें फोर्ट्रेस में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कुछ भी आयरन का सामान है नहीं। तो भैया से ये देखना पड़ेगा कि आयरन का सामान बिना उसके जाए या आयरन सामान लेके जाए। लेकिन अगर आयरन का आर्मर होता ना हमारे पास, तो थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा हमारे पास। प्रोटेक्ट मतलब ज़्यादा बता रहे, बहुत गंदी तरीके से पिटेंगे नहीं तो, अगर आयरन का आर्मर भी नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, फूड नहीं होगा इनके पास, मेरे पास तो फूड है क्योंकि मैंने पहले ही बना के रख लिया था। तो यहाँ पर ये पता नहीं, मतलब भाई वी मेरे से ले रहे थे ब्रेड, कैरेट क्या खाएंगे ये लोग, मतलब ये तो छोड़ो, अभी देखते हैं। तो वैसे पता नहीं गाय के संग नहीं क्या कर रहे, चुम्मा जाडी में छी भाई। तो अभी छोड़ो, अभी भाई ये लोग मतलब अपनी डिज़ाइन की तारीफ़ कर रहे हैं कि देखो क्या बनाया क्या बनाया है, लेकिन हम मुझे क्या बता मतलब मेरे को क्या है। तो अभी कह रहे हैं कि चलो सीधे, और मुझे ये डर लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अगर मैं मतलब नैदर में आके हम बहुत गंदा पिट सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और देखना पड़ेगा क्या होता है। तो अभी नैदर में जा रहे हैं और देखते क्या होता है। तो गाइस, आपको यकीन नहीं होगा, मतलब जैसे हम लोग नैदर में गए, वहाँ पर सारे स्केलेटन और घास थी, इस वजह से मेरा फ़ोन हैंग हो गया, और मेरे को माइनक्राफ्ट ने बैक ही कर दिया गेम से। तो विजू भाई तो मर गया, लेकिन मैं बच गया, तो मैं बैक हो गया था। फिर मैं भागा एकदम से, और मैं किनारे में जाके छुप गया, जिसकी वजह से सब जब सारे चले गए, मैं आ गया बाहर, मैंने कहा भाड़ में जाए। अभी विजू भाई बैक हो गया, उनका ही बहुत हैंग हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ। तो अभी ऐसा करते हैं, थोड़े दिन कर देते हैं, मतलब इतना गंदा हैंग हुआ है ना, उसकी वजह से पता है वाली रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई हैंग के चक्कर में, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखा रहा था। तो छोड़ो, अभी दोबारा से मतलब सो जाते जल्दी से, और देखते विजू भाई कितनी देर में आते हैं, यहाँ पर देखना पड़ेगा कितनी देर में आते हैं। और अभी मतलब मेरे ये तो समझ में आ गया, स्केलेटन बहुत है, तो अभी बहुत बच के रहना पड़ेगा। और मैं तो बच गया, विजू भाई तुम मर गए, पता नहीं नैदर में जाते, मैं तो बच गया। तो भाई अभी विजू भाई दोबारा आ चुके, और ये कह रहे हैं नैदर में जाने के लिए, लेकिन पहले ये जाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है डर, जाओ यार जल्दी जाओ, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये जाएंगे पहले, तभी जाऊँगा मैं। नहीं तो यार बहुत सारे स्केलेटन थे, मतलब तक गंदा मार रहे थे ना वो लोग, और मुझे यकीन हो रहा कि उस जगह पर क्या इनकी हेल्थ नहीं जा रही है, कि हमने इतना मारा है, बहुत इतनी मारी हमने, वो मर ही नहीं रहे, मुझे लग रहा है रीजनरेशन मिल रहा है इनको वहाँ पर, क्योंकि बहुत मार रहे हैं हम लोग, मर ही नहीं रहे स्केलेटन्स। देखते अभी जाते दोबारा दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर फिर स्केलेटन हमारे पीछे पड़ गए, मैं भागते भागते गंदी जगह पर आ चुका हूँ। यहाँ पर भाई साहब मतलब बहुत बहुत गंदे तरीके से मार रहे हैं स्केलेटन, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं तो बच बच के भाग गया, विजू भाई दोबारा मर चुके हैं यहाँ पर, दोबारा गए वो, यहाँ पर बहुत गंदा ही लपेट रहे हैं भाई, मैं तो छुप जा रहा हूँ यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर जल्दी से छुपने के लिए थोड़ा एरिया बना देता हूँ, जब तक विजू भाई आते हैं ना यहाँ पर, मैं निकलूँगा नहीं बाहर, क्यों बहुत गंदे तरीके से मारे। एक तो घास्ट है बहुत, मतलब वो ऊपर से मरी नहीं थी, उसको तो वो ही वो की एरो ही नहीं पड़ ली है। तो गाइस यहाँ पर दोनों का हैंग हो रहा है, विजू भाई दोबारा मार चुके हैं के चक्कर में, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत हैंग हो रहा है, मतलब यहाँ पर उनका बहुत, वो कह रहे हैं सर्वर हैंग हो रहा है, लेकिन उनसे मतलब जितना वो बता रहे ना, उनसे कम ही मेरा हैंग हो रहा है। यहाँ पर मैं एक स्केलेटन को मार रहा हूँ, लेकिन मर नहीं रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ मर क्यों नहीं रहा है। अभी देखते कहाँ मतलब क्या करना है अभी यहाँ पर, मतलब मेरे चलिए फोर्ट्रेस ढूंढना हो, फोर्ट्रेस जैसे मिल जाता ना, वहाँ से सामान लेके भाग जाएंगे। लेकिन अगर भाई भाई घास है इधर, भागो जल्दी निकलो यहाँ पे भाई, स्केलेटन घास वास सब पीछे पड़ गई है ना, जल्दी जल्दी से बाहर निकलना है, और यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे भी हैं, गड्ढों से भी बच के निकलना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ जाना है हमें। गाइस यहाँ पर तो हर जगह स्केलेटन स्केलेटन भर रहे हैं, यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी जगह देख के वहीं छुप जा रहा हूँ, कि यहाँ पर एक तो विजू पर बार बार मर जा रहे हैं, मुझे उनका भी साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिना आर्मर के इनको मारना मतलब कि बहुत मुश्किल है। एक तो ये मर नहीं रहे अपनी, क्या है इनको कौन सा रिजनरेशन मिल रहा है, मर नहीं रहा स्केलेटन यहाँ पर। भाई मैं ऐसा क्यों लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, कि मुझे कहीं पर भी छुपने वाली जगह मिल नहीं रही है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है मेरा मैं मरने वाला हूँ, ख़त्म यहाँ पर। छोड़ो यहाँ पर देखते जल्दी भाग, नैदर में से तो हम पोर्टल के पास चलते हैं, पोर्टल के पास यहाँ से निकल गया ना,
कि पोर्टल एक तरीका जहाँ से मैं बच सकता हूँ। पहले पोर्टल के पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है यहाँ पर। भाई भागो भागो, वैसे आपको मेरी इन्वाइट देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं दोबारा मर चुका हूँ। और यहाँ पर विजु भाई थोड़ा कोबलस्टोन माइन कर रहे हैं, इस वजह से हमें थोड़ा टूल्स बन जाएंगे। तुम लोग बार बार मरते जा रहे हैं भाई, यहाँ पर ये भी मर रहे हैं, मैं भी मर रहा हूँ, यहाँ पर सर्वर बहुत है। तो वैसे यहाँ पर हम लोग दोबारा से आ चुके हैं, यहाँ पर मैं टॉर्च लगा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना सामान भी उठा लिया जो पहले मर गया था। अब जल्दी टॉर्च लगाता हूँ कि भैया अगर टॉर्च लगाने से यहाँ पर स्केलेटन स्पॉन नहीं होंगे। अब पता नहीं ये हेले क्या है, क्योंकि ये तो नेदर है। छोड़ो यहाँ पे जल्दी लगाते हैं, और यहाँ पे घास वास इतना हैंग हो रहा है ना, मतलब मूड खराब हो जा रहा है यहाँ पर। भाई एक तो पता नहीं आग मिटती नहीं है यहाँ पर, ये नेदर में आग नहीं खत्म होती है। और यहाँ पर लोग भैया फिर गए, तो भाई यहाँ पर हम बच बचा के यहाँ पर इतनी कोई से कोने में छुप गया हूँ यहाँ पर। स्केल भाई मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये स्केलेटन मेरे को मारने के पीछे लगा हुआ है, तो कुछ कर बचाता हूँ मैं भाई। अगर इसने सील्ड बचा लिया, अगर सील्ड नहीं होते ना मैं गया था यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखता हूँ थोड़ा, भाई आ जा मार भाई, इसको तो मार के रहूँगा, इसने मुँह खराब करके रख दिया है। यहाँ पर देखना पड़ेगा अभी भैया कितने देर में आते हैं, कि भैया जल्दी से आ जाना। तो यहाँ पर चलते तो फोर्ट्रेस, और मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है कि हैंग भी हो रहा है सर्वर। तो यहाँ पर भैया आ चुका, और ये गए, ये भी गए, दोबारा गए भैया, हम मर गए दोबारा से। तो गाइस यहाँ पर हम, मैं और भैया यहाँ पर बच बचा के आ गए, और यहाँ पर हम लोग एक जगह पर माइन कर रहे हैं। मतलब अगर हमें मिल जाता तो सही है कोई एरिया जहाँ से हम लोग इससे इन स्केलेटन से बच जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत मूड ख़राब करके रख दिया। इन्होंने पूरा हर जगह से मारे जा रहे हैं, तीन चार स्पॉन हो जा रहे हैं, और हर जगह से हर मतलब कोई ना कोई मारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, माइन करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जल्दी चलते। और यहाँ कुछ अच्छा सा मिल, मतलब मिल जाए ना, थोड़ा बेशन मिल जाए तो और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेशन लूटूंगा नहीं मैं अभी, बाद में लूटेंगे आराम से यहाँ पर। अरे भाई ये क्या हुआ? अब भाई नीचे लू रहा हुआ भाई, सभी क्या हुआ था? तो गाइस फाइनली 7-8 बार मरने के बाद हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स भी ऑन कर लिए थे पहले, कि हमें पता चलता है कि हम लोग खो जा रहे थे बार बार, तो हमने कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लिए थे। और मतलब फाइनली फोर्ट्रेस मिल चुका है भाई। मतलब बहुत मूड खराब हो गया था, मम्मी इतनी बार मर चुके थे, वहाँ पर हम लोग गलत चले गए थे, जहाँ हम लोग माइंड करते थे वहाँ गलत चले गए थे, वहाँ पर नीचे लावा ही लावा था। तो हम लोग बैक आ गए, और बैक आने के बाद हमें फाइनली फोर्ट्रेस मिल चुका है। और यहाँ पर भाई बहुत हैंग हो गया है मेरा, बहुत गंदा वाला हैंग हो गया है। मतलब भाई बिजू भाई के साथ, बिजू भाई ने बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो मैं गया, क्योंकि मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, इतना गंदा हैंग हो रहा है भाई। यहाँ पर एक तो ब्लेज रोड मतलब वो आग फेंक के मारेगी, और कहीं मतलब ब्लैक कहते हैं इसके मीर स्कारी टाइम मिल गया तो और ख़तरनाक पंगे। यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत गंदा ही हैंग हो रहा है मेरा यहाँ पर, भाई साहब क्या करूँ। तो गाइस फाइनली मैं मर चुका था वहाँ पर, विद स्केलेटन ने आके मुझे मार दिया। लेकिन विद्यू भैया बहुत प्रो हैं, उनका हैंग बंद हुआ, और उन्होंने सबको बजा के आ गया, मतलब पता नहीं बजा के आए क्या करके छुपे गए नहीं, लेकिन उन्होंने 10 ब्लेज रॉड लिया है। एक तो मेरी थी, तो मैं मर गया था, विद्यू भाई ने सामान उठा लिया था, एक मेरी थी, 9 लिया है वो। तो अच्छा अब इसको स्टोन भी चाहिए भाई, कॉबल स्टोन चाहिए, तो यहाँ पर कॉबल स्टोन भी चलो एक है यहाँ पर, चलो माइन कॉबल स्टोन का फार्म है हमारे पास, माइन कर ले रहे हैं जल्दी से। लेकिन विद्यू भाई ने सबको मान के अच्छा कर दिया कि मैं मर गया, मतलब मैं मरता नहीं, मेरा हैंग हो गया था, पीछे स्केलेटन ने बजाया, 2 बजाए ख़त्म, में 2 में ख़त्म, क्योंकि ऊपर से मैं ब्लेज रॉड ने भी मारा था ना मुझे। तब इसमें देखते हैं कॉबल स्टोन है या नहीं है, वैसे अब तो हो गया, हम कॉबल स्टोन चाहिए। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि अब तो रात थी और दिन कैसे हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं मतलब आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वजह से मैंने वीडियो मतलब गेम छोड़ के चले गया था, फिर विजु भाई भी चले गए, तो अभी बाद रिकॉर्ड कर रहा था मैं आगे का। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें कॉबल स्टोन चाहिए था, कॉबल स्टोन यहाँ से ले लेते हैं, देखते 3 होगा, हाँ 3 हो गया, चलो उठा लेते हैं। यहाँ पर और भी पड़ा हुआ है, अब इसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं समझ गया आप लोग, वो जिससे पोशन बनता है वो बनाता है, उसके बाद हमें आगे का काम बाकी आगे की वीडियो में करेंगे। तो वैसे अभी चलते हैं, मतलब चलिए से क्राफ्टिंग टेबल के लिए, यहाँ पर मैं थोड़ा नाम भी भूल जा रहा हूँ, और एक तो तबीयत ख़राब हो रही ना, तो थोड़ा सीप सोर हो रहा है। तब जल्दी से बना लेता हूँ, क्या कहते हैं ब्रिंग स्टैंड कहते हैं ऐसे इसको, छोड़ो जो भी कहते हैं, यहाँ पर जल्दी से इसको बना लेते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं क्राफ्टिंग टेबल को। ऊपर भी कहाँ लग गया भाई, प्लीज़ अब हाथ से टूट जाना, अगर हाथ से नहीं टूटा मूट कर बजेगा तो टूट, हाँ टूट गया, हाथ से टूट गया, या तो पिकैक्स से, मतलब ऐसा होता है कि हाथ से तोड़ने में मिलता ही नहीं तो ख़राब हो जाता। तो छोड़ो यहाँ पर ये बन चुका है, और भाई अच्छा लग रहा है, मतलब अब हम लोग लेजर को ला सकते हैं, इसके हमारा आयरन फार्म और ट्रेडिंग हॉल ये सब बन सकता है। अरे रोक दो, यहाँ पर मैं ब्रेज रोड रख देता हूँ जल्दी से, क्योंकि अगर ये कहीं पर गिर गया, मतलब मैं गिर गया ना जल्दी से, तो सारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, नहीं तो मैं दोबारा से आना पड़ेगा। तो गाइस अभी हमने मतलब सारा के सारा काम खत्म कर लिया, और अगली वीडियो में हम लोग एक आयरन फार्म या तो फिर ट्रेडिंग हॉल, मतलब विलेजर को बनाएंगे पहले, उसके बाद आयरन फार्म और ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे, ये सब करेंगे। तो अगर आपको वीडियो जरूर से भी अच्छी लगती है, वीडियो कर देना लाइक, शेयर पर नया है तो कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो में, बाय।